दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। देश पूरी तरह चुनावी मोड में जा रहा है। आज 8 फरवरी है, यानी कि अगला जो महीना शुरू होगा मार्च की वो 8 तारीख हो या 10 तारीख हो, यानी कि मार्च के पहले पखवाड़े में देश के अंदर चुनावी नगाड़ा बज जाएगा। और चुनावी नगाड़ा बजने से पहले, चुनाव का ऐलान होने से पहले, तमाम राजनीतिक दल अपनी कसरत कर रहे हैं चुनावी, चाहे वो हरियाणा की बात हो और चाहे वो पूरे देश की बात हो। जहां भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए गठबंधन है वो अपने कुनबे को बड़ा कर रहा है, तो इंडिया गठबंधन यानी कि जो कांग्रेस नीत गठबंधन है उसके सामने चुनौती है कि किस प्रकार अपने वजूद को बचाए रखा जाए। और इस सब के बीच हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने चुनावी तैयारियां बहुत जोर से शुरू कर दी हैं। 30 जनवरी से लेकर के और 7 फरवरी तक हरियाणा प्रदेश कांग्रेस ने आवेदन मांगे थे उन नेताओं से जो हरियाणा से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के जो सूत्र बता रहे हैं, कांग्रेस की जो जानकारी दे बता रही है वो ये है कि 300 से ज़्यादा लोगों ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए अपनी दावेदारी की है। जिन लोगों ने दावेदारी की है उनके अंदर सबसे ज़्यादा लोग सोनीपत लोकसभा से कांग्रेस के टिकट चाहते हैं, यानी कि वो सीट जहां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे। 80 लोगों ने सोनीपत से कांग्रेस के टिकट की दावेदारी की है सोनीपत के लिए। और जो सबसे कम दावेदारी लोगों ने की है वो है रोहतक की लोकसभा सीट, जहां से दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़े थे पिछला 2019 का, और पहली चुनावी हार उनकी हुई थी। उस सीट पर 5 या 6 लोगों ने अपनी दावेदारी की है। आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी लोकसभा सीट पर कौन कौन से प्रमुख दावेदार हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताएं कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं, वो लोकसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते। एक भी कांग्रेस के कद्दावर नेता ने लोकसभा चुनाव के लिए दावेदारी नहीं की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस की लोकसभा टिकट के लिए दावेदारी नहीं की। कुमारी शैलजा लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। रणदीप सिंह सुरजेवाला का लोकसभा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। कैप्टन अजय यादव वैसे तो गुरुग्राम की दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन आवेदन उन्होंने भी नहीं किया गुरुग्राम से लोकसभा चुनाव लड़ने का। किरण चौधरी कहीं से लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहती। और मान लीजिए जो कांग्रेस के बड़े नेता आपको दिखाई देते हो, चौधरी उदयभान कहीं से चुनाव लड़ना नहीं चाहते लोकसभा का। तो कद्दावर नेता कांग्रेस के लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। अब इसके पीछे कारण क्या है? कि उनकी केवल मुख्यमंत्री बनने की मंशा है, और या फिर उनको डर लगता है कि लोकसभा का चुनाव कहीं मोदी लहर में हार ना जाएं। हालांकि एक सर्वे अभी जो नेशनल चैनल ने किया पिछले दिनों, जिसके अंदर की हरियाणा की बात भी है, अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि उस सर्वे ने हरियाणा में कांग्रेस और भाजपा को क्या स्थिति दिखाई है, लेकिन बात मैं आपसे कांग्रेस की कर रहा हूं। देश की सबसे पुरानी पार्टी, हरियाणा के अंदर लंबे समय तक सत्ता में रहने वाली पार्टी, और मान ले तो जो पार्टी ये कहती है कि बिना कैडर के चुनाव मैदान में उतरकर वो चुनावी फतह कर लेंगे, लेकिन उस पार्टी के बड़े नेता लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। हालांकि ये जरूर है कि अगर उनको पार्टी हाईकमान ने कह दिया तो फिर मजबूरी बन जाएगी चुनाव लड़ना, लेकिन जो मन की बात है वो ये है कि किसी भी बड़े नेता ने आवेदन नहीं किया। अब आपसे बात कर लें कि जिन नेताओं ने आवेदन किया है वो कौन से हैं, कौन सी सीट पर कौन से नेता हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि किन नेताओं ने कहां कहां आवेदन किया है और कितने आवेदन हैं, तो जो मैं आपको बता रहा था कि सबसे ज़्यादा सोनीपत में 80 और सबसे कम रोहतक में 6। फरीदाबाद से 9 लोगों ने लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी की है। करनाल में 40 लोग हैं ऐसे जो लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ में 6 लोगों ने टिकट मांगा है, जिनके अंदर श्रुति चौधरी भी और रावदान सिंह भी हैं। सिरसा में 40 लोग चाहते हैं कि उनको टिकट मिल जाए लोकसभा का। कुरुक्षेत्र में, जहां से नवीन जिंदल की चर्चा चल पड़ी है कि वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं, 45 लोगों की दावेदारी है कि चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाए। हालांकि मान लिया जाए तो टिकट मांगने वालों की कमी नहीं है। 10 लोकसभा सीटों के लिए 300 लोगों का टिकट मांगने का मतलब ये है कि एक सीट पर एवरेज 30 प्रत्याशी। अगर 30 कैंडिडेट एक पार्टी के पास है तो मान लीजिए कि पार्टी का कैडर तो बड़ा है, लेकिन जब कद्दावर नेता टिकट नहीं मांगते तो फिर संशय जरूर जाता है कि आखिर क्या उन लोगों को क्या घबराहट है, क्या बेचैनी है, क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते।
जो मैंने आपको बताया, कुमारी सैलजा चुनाव नहीं लड़ना चाहती, रणदीप सिंह सुरजेवाला लोकसभा चुनाव नहीं जाना चाहते, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का लोकसभा चुनाव लड़ने का मन नहीं है, कैप्टन अजय यादव की भले ही टिकट मांगते हों चैनलों के अंदर और अखबारों में बयान देकर, लेकिन बेरुखी उनकी भी रही आवेदन करने में, किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी टिकट मांग रही है, ठीक है, लेकिन खुद किरण चौधरी का कोई मूड नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक बड़े नेता जरूर हैं कि जिन्होंने रोहतक के अंदर लगातार कोशिश कर रहे हैं, भागदौड़ उनकी हो रही है, दावेदारी कर रहे हैं, और जिन लोगों ने अब टिकट मांगा है, अगर आपसे सबसे पहले फरीदाबाद की बात कर लें तो फरीदाबाद लोकसभा के लिए टिकट मांगने वाले 9 नाम हैं। 9 नेताओं ने फरीदाबाद लोकसभा की टिकट चाही है, और उनमें से जो प्रमुख नाम है वो है पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल। दूसरे नेता अगर है तो जेपी नागर। जेपी नागर एक बार लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं पहले भी, चुनावी उस समय हार मिली थी जिस समय फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर मेवात भी हुआ करता था। और अगर जो तीसरे नेता हैं तो विजय प्रताप, पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप के सुपुत्र, बड़े बड़े बोर्ड उनके पिछले दिनों लगे थे। हालांकि महेंद्र प्रताप और विजय प्रताप के बारे में कुछ और नई बात भी चल रही है, किसी और वीडियो में आपसे जिक्र करूंगा, लेकिन फिलहाल वो बताएं जिन लोगों ने दावेदारी की है कि विजय प्रताप ने भी दावेदारी की है फरीदाबाद से लोकसभा का चुनाव लड़ने की। लेकिन जो गंभीर दावेदारी कर रहे हैं उनके अंदर आप करण सिंह दलाल को भी ले सकते हैं। और अगर कांग्रेस के सूत्रों की माने तो कांग्रेस के सूत्र तो ये कहते हैं कि उनका प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह के परिवार से हो सकता है, यानी कि विजय प्रताप की जो दावेदारी है टिकट मांगने की। अगर भिवानी महेंद्रगढ़ की बात करें, चौधरी बंसीलाल का गढ़ भिवानी और अहिरवाल का एक राजधानी महेंद्रगढ़, उस लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी सांसद बनी और सांसद का चुनाव हारी भी। 2014 और 2019 दोनों चुनाव लगातार श्रुति चौधरी हारी थी, चौधरी बंसीलाल की सुपौत्री, चौधरी सुरेंद्र सिंह की सुपुत्री, किरण चौधरी की बेटी। और अब भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति चौधरी ने फिर दावेदारी की है, और दूसरी दावेदारी की है राव दान सिंह ने, महेंद्रगढ़ के विधायक, 4 बार के विधायक, संसदीय सचिव रहे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के बहुत नजदीकी। और राव दान सिंह ने 2 जगह दावेदारी की है, भिवानी महेंद्रगढ़ भी टिकट मांगा है और गुरुग्राम लोकसभा की दावेदारी भी की है। सिरसा के अंदर मैंने आपको बताया 40 लोगों ने दावेदारी की। अशोक तंवर 2019 में प्रत्याशी थे, अशोक तंवर अपनिंग पार्टी, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आम आदमी पार्टी वाया होते हुए अब भाजपा में जा चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि अशोक तंवर को भाजपा चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन जो कांग्रेस की बात है तो 2 पूर्व सांसद हैं, सुशील इंदौरा और चरणजीत सिंह रोड़ी, इन दोनों ने भी दावेदारी की है, और 40 लोग और भी हैं जिन्होंने सिरसा से टिकट मांगा है। हालांकि टिकट मांगने वाले भारतीय जनता पार्टी की कभी और चर्चा करेंगे तो बताऊंगा आपको, फिलहाल हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। सिरसा से सुशील इंदौरा भी टिकट मांग रहे हैं और सिरसा से चरणजीत सिंह रोड़ी भी टिकट मांग रहे हैं, दोनों पूर्व सांसद रहे हैं। साइबर सिटी की बात कर लें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम से टिकट मांग रहे हैं आफताब अहमद, नूह के विधायक। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर 3 सीटें आती हैं नूह मेवात जिले की, नूह, फिरोजपुर, झरका और पुनाना, लगभग 7 लाख वोट उस क्षेत्र के हैं। इसके अलावा सोहना भी वहीं जाती है और सोहना के अंदर भी मेव मतदाता काफी संख्या में है। तो एक आफताब अहमद ने दावेदारी की है, दूसरे राव दान सिंह दावेदारी कर रहे हैं, हालांकि राव दान सिंह की अपनी विधानसभा सीट भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं सुभाष यादव, वो भी टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस की गुरुग्राम से। फरीदाबाद का मैंने आपको बता ही दिया, करण दलाल, विजय प्रताप और जेपी नागर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हिसार के अंदर भी कई चेहरे हैं बड़े, जयप्रकाश भी टिकट मांग रहे हैं और भी बहुत सारे नेता हिसार के अंदर भी हैं। कुरुक्षेत्र की बात करें तो वहां अशोक अरोड़ा का नाम भी चल रहा है लोकसभा के टिकट के लिए। तो चुनाव की तैयारी के लिए हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आप मान लें कि कांग्रेस के 300 नेताओं ने दावेदारी की है, और उन नेताओं में बड़े चेहरे नहीं हैं जो मुख्यमंत्री की दावेदारी करते हैं। आपको क्या लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस कितनी सीटें जीत सकती है? आपको क्या लगता है कि बड़े नेताओं की लोकसभा चुनाव के प्रति बेरुखी क्या उनका मुख्यमंत्री पद पर जो निशाना की वजह से है, और या फिर उनके मन में कोई घबराहट है? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा में
कांग्रेस इंडिया गठबंधन के अंदर रहते हुए चुनाव लड़ सकती है, यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो दोनों अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और उसके अंदर कोई और पार्टी भी जुड़ सकती है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।